हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज बात करूंगा मैं फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी स्टार्ट करने के, फार्मा फ्रेंचाइजी के बारे में नहीं, फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी स्टार्ट करने के बारे में। मीन्स आपके पास बजट है, आप खुद का फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद दूसरों को फ्रेंचाइजी देंगे, ठीक है। उस बिजनेस मॉडल की यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बहुत डीपर जाके डिस्कस नहीं करूँगा। डीपर चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दूंगा जिससे आप पूरी तरीके से इस बिजनेस को समझ पाएंगे, क्या सिस्टम है एक्चुअली इसका। और ये बहुत सिंपल है, अगर आपके पास बजट है और आपके पास पेशेंस है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सिंपल सा चीज़, बहुत ही सिंपल है इसको करना और बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं बहुत टिपिकल है, बहुत ही आसान है इसको कर पाना। अगर आप फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फार्मा फ्रेंचाइजी का खुद फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं लोगों को, इसके लिए सिंपल तरीका यह है कि आप अपने आप को एज ए कंपनी पहले रजिस्टर्ड कराइए, ठीक है। उसका खर्चा आता है 1 लाख रुपीज़ के समथिंग अराउंड, अब छोटा मोटा खर्चा इधर उधर और मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ में आप अपनी खुद की कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराइए। 1 लाख रुपीज़ बजट होता है उसका, 1 लाख रुपीज़ का आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराइए, अपनी कंपनी का नाम लीजिए। कंपनी का नाम लेने के बाद आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको प्लान करना है कि यार मैं कौन से ब्रांड में, मैं एलोपैथ में काम करूँगा, मैं आई में काम करूँगा, मैं डेंटल में काम करूँगा, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट में जाऊँगा, मैं गायनिक में, कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करूँगा। पहले स्टार्टिंग बिल्कुल खिचड़ी मत बनाइए, बहुत सारे प्रोडक्ट लेके मत आइए। बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या होगा, बजट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। फ्रेंड देखिए, डिमांड यही, मार्केट की डिमांड ये है कि आपके पास मैक्सिमम रेंज होना चाहिए, बट मैक्सिमम रेंज बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, जो कि मैं अभी आगे स्टेप में गाइड करूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन सी स्पेशलिटी को कैटर कर सकते हैं, कौन सी स्पेशलिटी के अंदर आप बेटर सर्विस दे सकते हैं, ताकि स्पेशलाइजेशन आपका डिसाइड हो जाए। जैसे डर्मा की बात करूं या डेंटिस्ट्री की बात करूं या मैं गायनिक की बात करूं, तो सारे लोग स्पेशलाइजेशन होकर काम नहीं करते, सारे लोग सारी मेडिसिन लेके काम करते हैं, ठीक है। या कुछ कंपनी जैसी फ्रेंचाइजी की हैं, फार्मा फ्रेंचाइजी पीसीटी की, जो स्पेशलाइज्ड वर्क करती हैं डर्मा के ऊपर, पूरा डर्मा का पूरी रेंज बनाती है, डेंटिस्ट्री का पूरा रेंज बनाती है, गायनिक का पूरा रेंज बनाती है। तो वैसे ही अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी के अंदर प्लान करिए कि आप किस में पीसीडी का बिजनेस स्टार्ट करेंगे कंपनी को। सपोज दैट आपने डर्मा का डिसाइड कर लिया, चलो मुझे डर्मा के ऊपर काम करना है। अभी डर्मा में कौन कौन से प्रोडक्ट देखिए हाईली सेलेबल है, जिनका मार्केट में डिमांड कौन कौन सा, थोड़ा सा मार्केट सर्वे करिए और देखिए कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड कौन सी है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को आप डिसाइड करिए, मार्केट डिमांड रिसर्च करने के बाद 1-2 हफ्ते मार्केट में जाइए, लोगों से पता करिए, अपने जो भी कनेक्शन है उनको यूज करिए, आप पता करिए वहाँ पे मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट, लोशन कौन सा बिकता है, सोप कौन सा बिकता है, क्रीम कौन सा बिकता है। अब उन सब ब्रांड को लिस्ट बनाइए, 10 ब्रांड, 15 ब्रांड, 15 ब्रांड, जैसा भी आपका मूड हो, जैसा जितने ब्रांड के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हो। मतलब एक ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग में मिनिमम बैच में बता रहा हूँ 50,000 रुपीज़ लगेगा एक प्रोडक्ट बनाने में, कम से कम बता रहा हूँ। अदरवाइज ये 1 लाख या 2 लाख भी जा सकता है, ये क्रीम पाउडर वो क्रीम उसके ऊपर डिपेंड करेगा टैबलेट के ऊपर, ठीक है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि कम से कम आप एक 50,000 रुपीज़ मान के चलिए कि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपका लगने वाला है। तो आपका बजट देखो कितना है बैकअप में और कितने प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग लेके करा के चल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 50,000 मान के चलिए एक प्रोडक्ट का, उसमें भी ये सब में हो भी नहीं पाएगा, बाकी बैच तो इससे भी जाएंगे। छोटा बैच बनाते नहीं, और छोटा बैच बहुत ज़्यादा महंगा बनेगा, कम बनवाएंगे महंगा बनेगा, जब महंगा बनेगा तो आप आगे वाले पार्टी को जिसको फ्रेंचाइजी देना है उसको रेट नहीं दे पाएंगे, मतलब मार्केट के अंदर कंपटीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग तो ज़्यादा ही कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप आप डिसाइड कर लिए, इसके बाद आप कोशिश करिए कि जो फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो कहीं से मिल जाए, ठीक है। इससे एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है, अगर आप किसी ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं जो इस टाइप की कंपनी में पहले से काम कर रहा होता है, तो उसके साथ क्लाइंट जुड़े होते हैं, जो फार्मा का काम कर रहे हैं वो तो जुड़े होते हैं, तो जब वो आएगा तो आपके यहाँ कुछ कस्टमर साथ लेके आएगा, ठीक है, तो आपकी कंपनी की सेल इमिडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आप देखिए मार्केट में पैकिंग कैसा है, तो वो पैकिंग वगैरह थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके और कुछ एडवांस, कुछ नया, कुछ अलग सा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जिससे क्या होगा, आपका जो मेडिकल अफिनिटी होगा, जो फ्रेंचाइजी लेगा, उसको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके ब्रांड को बेचने में, और उसको हेल्प मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपका सेल क्या करेगा,
बूम करेगा, राइट। तो आप ब्रांड डिसाइड कर लिया आपने, अब ये जितने भी ब्रांड आपने डिसाइड किए हैं ये सभी ब्रांड का आपको कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जनरली क्या होता है कि आप खुद भी चाहो तो ट्रेडमार्क ले सकते हो या फिर जिस कंपनी में आप मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे वो ले लेता है। अभी आपका बजट है तो आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए आपको थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ेगा, मतलब दूसरी कंपनी के पास जाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए। ये कराना भी बहुत ही आसान है, कोई टिपिकल नहीं होता, किसी भी कंपनी के अंदर जाइए आप, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बद्दी के अंदर और हरिद्वार के अंदर, रुड़की के अंदर, पोंटासाई में बहुत सारी कंपनीज है, या इंडिया का अदर पार्ट की बात करूँ, उधर गुजरात की बात करूँ, उधर गोवा की बात करूँ, उस दमन एंड दीप की बात करूँ, जिस भी एरिया में आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके नियर बाय में देखिए कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर जाकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ बात करेंगे तो पूरा प्रोसीजर आपको बता देंगे कि इतना आप पैसा दे दीजिए, ये प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए इतना रजिस्ट्रेशन का चलाया जाएगा, इसका सबको बता देंगे आपको डिटेल में, कुछ भी आपको आपको पैसा दे देना है, वो सारा काम बना के पैक करके जो ब्रांड नेम आप देंगे, जो आपके ब्रांड नेम, बेटर यही होगा कि आप खुद रजिस्ट्रेशन करा लीजिए सारे एक बार में, 15-20-25 जितने भी ब्रांड आपको प्लानिंग जो भी आपकी हो, एक बार में 20-25 ब्रांड रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन का 5,000 रुपीज़ समथिंग अराउंड जाता है खर्चा ट्रेडमार्क लेने के लिए, एक ब्रांड का रजिस्ट्रेशन, ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन का फ्रेंड, तो ये भी बजट उसी में जोड़े रहिएगा आप, ठीक है। टोटल कर लीजिएगा आप कितना खर्चा आएगा, तो एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन का 5,000 रुपीज़ समथिंग अराउंड खर्च जाता है रजिस्ट्रेशन का। आप एक बार में 25-20 रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और उसका 10 ब्रांड एक बार में मैन्युफैक्चरिंग करा लीजिए, 10 के साथ स्टार्ट करिए या 15 के साथ स्टार्ट करिए, जनरल सेगमेंट में कर रहे हो, किसी भी स्पेशलिटी में जो भी आपने डिसाइड किया हो उस स्पेशलिटी के साथ स्टार्ट करिए। अब स्टार्ट करने के बाद सबसे अच्छा तरीका यह है अपने आप को मार्केट करने का, फेसबुक पे फ्रेंचाइजी का बहुत ज़्यादा मैंने देखा हुआ, काफ़ी लोग उसमें मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे मैंने बताया किसी और को अगर हायर कर लेंगे जो पहले से काम कर रहा है उसको अगर आप लेके आ जाते हैं तो वो काफ़ी क्लाइंट आपके साथ में ले आएगा। तभी फिनिश्ड गुड्स आपके पास हो गया, आपका मेडिसिन थर्ड पार्टी से बनवा लिया, अभी मार्केटिंग करने का टाइम आ गया, मतलब आपको अपने आप को मार्केट करना है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पर रजिस्टर करिए, जो आपको सोशल मीडिया मैंने ये सब बताया है, बस यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रेट प्राइस लिस्ट वगैरह बना के रखिए। इसके साथ आप बहुत सारे जो मेडिकल प्रिंटर आपसे जुड़ेंगे जुड़ेंगे उनको गिफ्ट भी चाहिए होता है, मतलब रिमाइंडर कार्ड होता है वो छपवा लीजिए, आप बैग चाहिए बैग बहुत सारा बल्क में परचेज कर लीजिए, विजुअल जिसे डिटेलिंग करते हैं वो, और सैंपल देने के लिए कैश कवर आता है वो, ये सब चीज़ें डिसाइड मतलब डिज़ाइन करवा लीजिए, जब आप मेडिसिन जहाँ से बनवाएंगे वो सब चीज़ें आपको ये डिज़ाइन करके दे देता है, या फिर आप चाहें तो इसको बाहर से सब लोग डिज़ाइन करने वाले लोग गूगल करेंगे तो ये सब भी चीज़ें आपको मिल जाएगी, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कराएं, विजुअल कहाँ से डिज़ाइन करवाएं, वो कैश कवर कहाँ से बनवाएं, ये सब वहीं फार्मासिटी के आसपास ही ये लोग होते हैं, जहाँ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे आप वहीं के आसपास एरिया में इन लोगों के भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो उससे पूछेंगे जहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं उसी से पूछेंगे कि मुझे कैश कवर भी डिज़ाइन करवाना है, ये विजुलेट भी डिज़ाइन करवाना है, तो ये सब वो डिजाइनिंग पर टाइम देना पड़ेगा, डिजाइनिंग में जाके आपको देखना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्ट का पैकिंग होगा उसको डिज़ाइन करवाना पड़ेगा, उसको जाके देखना पड़ेगा, इसमें टाइम खर्चा होगा, आपको टाइम लगेगा, टाइम पर जाके सब चीज़ें देख के फाइनल करनी पड़ेगी, एक एक प्रोडक्ट, एक एक विजुलेट का पेज, एक एक रिमाइंडर कार्ड, सब कुछ आपको प्लान करके डिजाइन करके रेडी कराना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है। ये सब चीज़ रेडी कराने के बाद आप सिंपली मार्केटिंग करिए कि मेरे पास ये प्राइस लिस्ट है, जो लोग इंटरेस्टेड है MRP है ये प्राइस लिस्ट है, इस पर जो लोग इंटरेस्टेड हो लेने के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट करें, अपनी वेबसाइट एक बनवा लीजिए और जो सोशल मीडिया का मैंने आपको तरीके बताए उसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, उससे भी मार्केटिंग करा सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आप सिंपल वे में फार्मा कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, मतलब अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन, मैं ब्रीफ कर देता हूँ, अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराया, थर्ड पार्टी में ही आपने विजुलेट कैश कवर वगैरह सब कुछ बना लिया, प्राइस लिस्ट डिजाइन किया, सेगमेंट डिसाइड किया, और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ऐड, वेबसाइट के ऊपर ऐड, क्लाइंट से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। शुरू में परेशान नहीं होना, 100 लोग फ़ोन करेंगे तो 1 लोग मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। 100 कॉल आएगा आपके पास कोई इंक्वायरी के लिए, उसमें से 1 लोग आपसे मेडिसिन परचेज करेंगे, तो इसलिए अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पेशेंस का पूरा अच्छी तरीके से रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, अब कुछ अपनी सेटिंग वटिंग कहीं से हो सकते हैं, किसी डॉक्टर के थ्रू आप भी लिखवा सकते हैं तो वहाँ भी काम करिएगा, ठीक है। हाँ, जब भी आप किसी और को मेडिसिन देंगे उसमें आप उसका GST नंबर, उसका DL नंबर दोनों चीज़ के बिना मत दीजिएगा, आपको एक कंप्यूटर बॉय रखना पड़ेगा जो बैठ
पे ईबे बिल बनाएगा, सामान को भेजेगा, रिसीव करेगा, पेमेंट लेगा, ये सब चीज़ करने के लिए आपको एक ऑफिस में चाहिए, आप खुद नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप कहाँ कहाँ दौड़ भाग करो, आप डिजाइनिंग वाले के पास जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास जाओगे, फ़ोन की क्वेरी सॉल्व करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक आपको ऑफिस में रखना पड़ेगा कोई बंदा जो इन सब चीज़ों को हैंडल करेगा, कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, कहाँ से पेमेंट आ रहा है, कितना भेजना है, क्या गया है, क्या आया है, कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्ट पर जानी है, कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्ट पर आनी है, ये सारी चीज़ें आपको जो है मैनेज करके एक बंदा चाहिए ऑफिस में। एक दो लोग का स्टाफ रखना पड़ेगा जो इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है। और एक आध कोई गर्ल्स रख सकते हैं जो टेलीकॉलिंग के थ्रू आपका मार्केटिंग करें, जो बात करें, फ्रेंचाइजी ले लो, व्हाट्सएप पे बात करें, टेलीग्राम पे बात करें, इस तरह पे बिजनेस हैंडल करें आपका, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। ऐसे ही मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और आपको कुछ मार्केटिंग कराना हो मेरे साथ मेरे चैनल पे, पर्सनली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और हाँ, अपने बिजनेस के लिए पर्सनल कंसल्टेशन करना है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके आई नीड पेड कंसल्टेशन करके आप मुझे मैसेज बोलेंगे, सेंड करेंगे, तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, कंसल्टेशन कैसे होगा, क्या क्या सिस्टम होगा। फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम में अभी रेट है 199 रुपीज़ पर फी है फॉर हाफ एन आवर टॉक। और लेटर ऑन में ये वीडियोज आप बहुत दिन के बाद देखेंगे तो उस टाइम का रेट पता करने के लिए सिंपल वीडियो सिंपल फ्रेंड इसी नंबर पर आई नीड पेड कंसल्टेशन लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली रेट पता चल जाएगा, क्या रेट चल रहा है, रेट रिवाइज हो सकते हैं, ठीक है। आप एक साल बाद देखो, छः महीने बाद देखो, दो साल बाद देखो, वीडियो चेंज होते रहते हैं। फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में अभी ये चल रहा है अगस्त 2020 चल रहा है, फिलहाल अभी जो ये रेट है वो 199 रुपीज़ है फॉर हाफ एन आवर टॉक या हाफ एन आवर कंसल्टेशन के लिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहाँ भी फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यहाँ पे कुछ नॉलेज मिला हो फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे मुझे ना काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। और तब के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ज़िंदगी में मस्त रहिए और हमेशा सल्यूशन के ऊपर फोकस करिए, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी, और अगर आप फोकस करते हैं सल्यूशन के ऊपर तो सल्यूशन बहुत सारे आएंगे आपके हर एक प्रॉब्लम का। और हर कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड जिसका सल्यूशन ना हो। तो सल्यूशन के ऊपर फोकस करिए, आपको ज़्यादा ब्राइटनेस मिलेगी और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपके गोल के टूवर्ड्स, ठीक है। चलिए बाय बाय।